हेलो एवरीवन, नमस्ते। और कैसे हैं आप सभी? तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट में कि मैं अपने घर को क्लीन रखने के लिए कौन सा DIY जो होममेड क्लीनर है मैं यूज करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे होममेड क्लीनर, कैसे इसको बनाते हैं। तो ये जो होममेड क्लीनर है इसमें आपका कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होने वाला है और इससे आप जब भी अपने घर की क्लीनिंग करेंगे ना तो कोई भी सामान जिसका भी आप सरफेस क्लीन कर रहे हैं, चाहे वुडन है, चाहे वो टाइल्स है, काउंटर टॉप है या फिर किसी भी तरह का सरफेस है, उसको आप क्लीन करेंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। मैं इसको यूज कर रही हूँ 6 सालों से और अभी तक मेरे घर में जितना भी सामान है उसमें कोई ऐसी खराबी नहीं आई है या इसकी वजह से कोई भी उसमें जो है स्टेन रह गए हो या वो काला पड़ने लगा हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। और जो हम मार्केट से क्लीनर लेकर आते हैं वो एक तो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और उसमें केमिकल इतना ज्यादा होता है कि जब आप उसको यूज करेंगे ना तो जहां पर भी आप उसका स्प्रे करते हैं धीरे धीरे जो है वो जगह जो है काली पड़ने लगती है या बहुत ही डल होने लग जाती है। लेकिन इससे जो ये हम DIY करेंगे ना, क्लीनर बनाएंगे हम, इससे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और जो नए फ्रेंड्स हैं, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरा नाम रीना है। मैं यहाँ पर होम मेकिंग वीडियोस, DIY एंड ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में लेकर आती हूँ। बस फेस्टिवल आ गए हैं और धीरे धीरे आपके साथ में मैं बहुत सारे जो है होम डेकोर से रिलेटेड DIY ऑर्गेनाइजेशन डेकोर वीडियोस में लेकर आऊंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी नई वीडियोस का। तो यहाँ पर हमें इस लिक्विड को तैयार करने के लिए ना कुछ सामान हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम इस तरह की बॉटल लेंगे जो स्प्रे बॉटल होती है और ये आपको किसी भी प्लास्टिक की शॉप में आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो जो कॉलिंग की बॉटल होती है ना, स्प्रे बॉटल, उस पर भी आप ये लिक्विड जो है उसमें फिल कर सकते हैं। और इनमें से अगर आपको कोई भी सामान नहीं मिलता है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सभी प्रोडक्ट के। तो चलिए बताती हूँ कि क्या क्या कौन कौन सा सामान हमें यूज करना है। और हमें चाहिए पानी, तो यहाँ पे मैंने पानी भी ले लिया है। तो सबसे पहले जो है मैं इसको एक ग्लास पे मैं बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक ग्लास लिया है, आप बॉटल में भी डायरेक्ट बना सकते हैं लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोसेस क्या है बनाने का। तो मैंने एक ग्लास लिया है, उसके बाद मैं लूंगी यहाँ पे व्हाइट विनेगर। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ग्लास लिया है। आप ना अंदाजे से भी इसको बना सकते हैं, जब धीरे धीरे आप बनाएंगे ना तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतना ही इसको डालना है, अंदाजे से भी आप कर सकते हैं। तो जो जैसे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना मैंने अगर इसमें विनेगर डाला है ना तो इससे डबल आपको पानी डालना है। जितना आप विनेगर डालते हैं उससे डबल आपको पानी डालना है। तो यहां पर मैंने विनेगर डाला, उसके बाद उतना ही मैंने इसमें यहां पर पानी डाला। इसके बाद हमें डालना है, ये है मीठा सोडा, 2 चम्मच यहाँ पर हम बेकिंग सोडा डालेंगे। कुछ इस तरह से ये जो है झाग जैसा होगा लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ना ये ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमने जो है बेकिंग सोडा हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसके बाद हमें डालना है लिक्विड डिशो। तो ये आपको 1 चम्मच आपको डालना है, अंदाजे से मैं डाल रही हूँ। इसमें ना हल्के हल्के से इस तरीके के बबल्स हो रहे हैं क्योंकि हमने जो व्हाइट विनेगर और जो सोडा हमने इसमें मिक्स किया है ना उससे ये जो है रिक्रिएट हो रहा है। तो इसके बबल्स वगैरह आप जब भी इसको बनाएंगे ना तो बड़े बर्तन में बनाना, क्योंकि जब आप ना सोडा और जो व्हाइट विनेगर है डालते हैं ना तो बहुत बबल्स आता है ऊपर से और ये सारा फिर गिर जाएगा, तो इसलिए आप इसको बड़े बर्तन में बनाना। इसके बाद मैं इसको इसमें फिल कर दूंगी। ये जो लिक्विड था इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमने जो लिक्विड तैयार किया है ना इसमें बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस के लिए मैं यहाँ पर एसेंशियल ऑयल में यूज़ कर रही हूँ, ये लेमन ग्रास का है। इसकी हम 8 to 10 drops हम इसमें ऐड कर देंगे और जब भी आप इसको क्लीनिंग के लिए यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू रहेगी। वुडन सरफेस को क्लीन करने के लिए आप इसमें जो एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल होता है उसका 1 स्पून आप इसमें मिक्स कर दीजिए और इससे आपका जो फर्नीचर है बहुत ही अच्छे से क्लीन तो रहेगा, उसमें शाइनिंग भी रहेगी। DIY होममेड क्लीनर स्प्रे हमारा बन चुका है और इसको थोड़ा ना शेक कर लीजिएगा, जो आपकी बॉटल का साइज है ना उसे थोड़ा सा आप छोड़ के इसमें फिल कीजिएगा क्योंकि इसमें हमने ना जो डिश वॉश है वो भी हमने इसमें डाला है, तो थोड़ा सा इसमें जो है झाग बनेगा इस वजह से। और उसके बाद आप किसी भी सरफेस को इससे
क्लीनर क्लीनिंग के लिए ना आप हमेशा माइक्रोफाइबर कपड़े का ही यूज कीजिए, इससे ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। कोई भी चिपचिपी जगह होती है ना, उसको भी आप बहुत अच्छे से इससे जो है क्लीन कर सकते हैं। जैसे जो हमारी चिमनी होती है ना, चिमनी होती है उसमें बहुत ज्यादा चिपचिपापन होता है ना, तो उसको भी आप बहुत आसानी से इस क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं। जैसे चिमनी में बहुत ज्यादा ऑयल हो जाता है, तो इसमें बस आपको स्प्रे करना है और एक आपको माइक्रोफाइबर कपड़ा लेना है, इससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं। जितना भी चिपचिपापन होगा सब क्लीन हो जाएगा। तो हमेशा मैं क्लीनिंग के लिए इसी का ही यूज करती हूँ। हमारे घर में जितने भी टैप्स हैं उनमें हार्ड वाटरिंग स्टेन रह जाते हैं, तो उनको मैं इसी से ही क्लीन करती हूँ। बस आपको डेली एक स्प्रे करना है और एक कपड़े से वाइप करना है। आप कॉटन का कपड़ा या फिर आप माइक्रोफाइबर कपड़ा आप ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, बस स्प्रे किया मैंने, ज़्यादा रगड़ा भी नहीं और बहुत अच्छे से ना ये क्लीन हो गया, एकदम नया जैसे लग रहा है। ये हमारे वॉशरूम का टैप है, तो दो तीन दिन में ही मैं इसको क्लीन कर पाती हूँ, डेली तो नहीं करती। बस एक स्प्रे किया और उसके बाद कपड़े से उसको अच्छे से वाइप कर लिया, बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा आपका टैप गंदा है तो आप उसको स्प्रे करके ना 10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, उसके बाद उसको दोबारा स्प्रे करके आप उसको वाइप कर दीजिए, या फिर जो स्क्रबर होता है उसे थोड़ा सा रगड़ेंगे ना तो साफ हो जाएगा। चिमनी कितनी भी चिपचिपी है ना, ये बहुत अच्छे से क्लीन कर लेता है। तो डेली जब आप क्लीनिंग करते हैं ना, तो आप अपनी चिमनी में बस स्प्रे कर दीजिए और उसको वाइप कर दीजिए, तो जल्दी ही आपको ना चिमनी की डीप क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे किचन में जो ग्लास शेल्फ है उसको भी मैं इसी से ही दो तीन दिन में एक बार साफ कर लेती हूँ। तो जो वुडन वाले जो सरफेस है ना, उसको भी इसी से ही क्लीन करें, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल जरूर डालें, मिक्स करें, इससे जो वुडन है वो अच्छे से शाइन करता है। और यहाँ पर हमारा जो सेंटर टेबल है ये मार्बल टॉप का है, तो इसको भी मैं इसी से क्लीन करती हूँ। यहाँ पर हमारी डाइनिंग टेबल है, इसके ऊपर ग्लास टॉप है, तो उसको भी मैं इसी से ही क्लीन करती हूँ। और जो मेटल, जैसे हमारा जो सेंटर टेबल है ना, उसके नीचे मेटल लगा हुआ है, तो उसको मैं इससे क्लीन नहीं करती हूँ, क्योंकि मेटल वाली जो चीज़ें होती है ना, उसको आप कॉलीन या किसी भी तरह के केमिकल स्प्रे जो आते हैं ना, उनसे क्लीन मत कीजिए, वो धीरे धीरे करके काले पड़ जाते हैं। पानी से भी आपको उसको साफ नहीं करना है, बस आपको उसको ड्राई कपड़े से, जो माइक्रोफाइबर कपड़ा होता है ना, उसी से आपको क्लीन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपने घर की काफ़ी सारी जो है सामानों को मैं इसी से क्लीन करती हूँ। जैसे माइक्रोवेव है उसको भी मैंने इसी से क्लीन किया, और यहाँ पर जो हमारी वार्डरोब है, मैं एक दिन क्लीनिंग का मैंने वीडियो डाला था, तब भी मैंने इसी से क्लीन किया था। और जितने भी हमारे स्विचेस हैं ना, इसको भी मैं इसी से क्लीन करती हूँ, बहुत अच्छे से हो जाता है। तो डायरेक्ट आप स्विच पे स्प्रे ना करें, कपड़े में स्प्रे करें, उसके बाद आप क्लीन करें, तो आपके जितने भी स्विचेस हैं ना, सारे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए ये DIY क्लीनर और कीजिए अपने घर की साफ सफाई। बस ये एक क्लीनर ही आपके पूरे घर को बहुत अच्छे से चमका देगा। और अभी जो है फेस्टिवल भी आ गए हैं, तो फेस्टिवल में आप भी अपने घर की साफ सफाई कर रहे होंगे। महंगे से महंगे प्रोडक्ट, क्लीनिंग प्रोडक्ट लेने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये एक होममेड क्लीनर है, इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने घर को चमका दीजिए। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरी बाकी की वीडियोस को वॉच करते रहिएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।